उत्तरांचल का निरसा विधानसभा जो लालगढ़ के रूप में भी मशहूर है, मासस विधायक अरूप चटर्जी को यकीन है कि उनके किए विकास के कारण जनता उन्हें फिर से मौका देगी। वहीं बाकी भी इसी आस में है कि वो जनता की नब्ज पकड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट। यह निरसा विधानसभा जो झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाला और बंगाली बहुल क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र को औद्योगिक इलाका भी माना जाता है, जो दो बड़े डीवीसी के बिजली उत्पादन वाला मैथन और पंचेत डैम भी है। मैथन में टाटा कंपनी का पावर प्लांट MPL भी बिजली उत्पादन कर रहा है। बावजूद उसके इलाके में आम लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब, लोगों को रोजगार के लिए अभी भी दूसरे जिले या राज्य की ओर पलायन करना पड़ता है। यही नहीं, पानी के दो बड़े बड़े डैम मैथन और पंचेत रहने के बावजूद पीने के पानी का समुचित यहाँ पर व्यवस्था नहीं। इन सबों के बीच फिर से विधानसभा का चुनाव आ गया है और लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करने का मौका भी मिल गया है। इस मामले में वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी ने अपनी जीत के दावे किए। न्यूज 11 से बात करते हुए अरूप चटर्जी ने क्या कहा, सुनिए। तमाम जो भी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे रोड वगैरह की, इन समस्याओं को आस्ते आस्ते समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम समझते हैं जो मोदी जी की सबसे बड़ी उस समय ये था जो भाई हम बेरोजगारी पूरे देश में दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के तो दूर की बात है, हम समझिए बेरोजगारी और बढ़ी है पूरे देश में। बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता और पार्टी की बागी उम्मीदवार अनिता गोराई ने विधायक के दावों को गलत बताया। उनका कहना है कि विधायक सिर्फ दावे करते हैं, इन दोनों का भी अपना अपना पक्ष है। जनता का आशीर्वाद से ये सीट निकलेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि देश में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इस देश के प्रति मान सम्मान को जो बढ़ाने का काम किए, विकास को डबल इंजन का सरकार का जो विकास को घर घर तक पहुंचाने का काम किए, साथ ही साथ कुछ दिन के लिए हम अपर्णा सेनगुप्ता कुछ दिन के विधायक मंत्री बने थे और मेरा बहुत काम किया हुआ है, बहुत आधा अधूरा काम करना है, उस काम को पूरा करने के लिए मुझे फिर एक बार मौका निरसा विधानसभा का जनता। हमें तो मुद्दा की कमी है ही नहीं, हमारे यहाँ इतने इतने हॉस्पिटल हैं सारे बंद पड़े हुए हैं, इतना इतना कारखाना है सारा बंद है, यहाँ के बच्चे यहाँ के लड़के बाहर जाते हैं पलायन करने के लिए, और बाहर में कुछ दुर्घटना हो जाता है जिसका एक बेटा है, उस माँ पर क्या बीतता होगा, समझ सकते हैं। बहरहाल नेताओं के अपने दावे हैं, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो किस पर विश्वास करेगी। फिलहाल जनता चुप, जनता क्या बोलेगी ये तो 23 दिसंबर को नतीजों के साथ ही सामने आ जाएगा। निरसा से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल, न्यूज 11 भारत।